अल्लाह ताला की किताबें, अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों पर अपना कलाम पाक उतारा। हजरत मूसा पर तौरात उतारी, हजरत दाऊद पर जबूर, हजरत ईसा पर इंजील और नबियों पर दूसरी किताबें उतरी। उन नबियों की उम्मतों ने उन किताबों को घटा बढ़ा दिया और अल्लाह के अहकाम को बदल डाला। तब अल्लाह ताला ने हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक उतारा। कुरान ऐसी बेमिसल किताब है कि वैसी कोई दूसरा नहीं बना सकता, चाहे तमाम जहान मिलकर कोशिश करें, ऐसी किताब नहीं बना सकते। कुरान में सारे इल्म है और हर चीज का रोशन बयान है। 1400 बरस से आज तक वैसा ही है जैसा उतरा और हमेशा वैसा ही रहेगा। सारा जमाना चाहे तो भी उसमें एक हर्फ का फर्क नहीं आ सकता। जो शख्स कहे कि कुरान पाक में किसी ने कुछ घटा बढ़ा दिया है या असली कुरान इमाम गाइब के पास है, वो काफिर है। यही असली कुरान है, इसी कुरान पर ईमान लाना हर शख्स के लिए लाजिम है। अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई अल्लाह की किताब जो इस किताब के खिलाफ वो खिलाफ हो, वो मोमिन नहीं बल्कि वो काफिर है। नाजरीन, वीडियो को सदके जारिए से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इंशाल्लाह और नई मालूमात के साथ अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।